हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल GBS वंडरफुल मॉम पे। अगर आप पहली बार मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं हूँ किरण, जो मैं पिछले 20 साल से टीचिंग लाइन में हूँ और अब बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और पिछले 10-11 साल से अपना प्री स्कूल रन कर रही थी, जो कि अभी कोरोना काल के दौरान बंद है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को बेसिक जो है वो पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए अपन चले तो बच्चों के लिए आगे तक बढ़ना बहुत इजी रहता है। और अगर उनको फॉर्मेशन पे हम पूरा ध्यान देते हैं तो उनके लिए लिखना इजी ही नहीं, एक फ़न भी बन जाता है। तो मैं जहाँ तक होगा बच्चों की हर चीज़ों को क्लियर करते हुए चलूँगी। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखिए, मेरे वीडियो को स्किप ना करें और अच्छी तरह से मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज स्मॉल लेटर्स। अगर आपने मेरे कैपिटल लेटर्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने A to Z कैसे लिखा जाता है, कैसे पेंसिल होल्डिंग की जाती है और कितनी लाइंस में कैपिटल लेटर्स आते हैं, इन सब का वीडियो मैंने डाल दिए हैं। और अगर आपको उनको देखना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अलावा मैं नंबर्स भी करवा चुकी हूँ बच्चों को और स्वर भी करवा चुकी हूँ। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप जाकर मेरे उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें ताकि बच्चों का जो बेसिक है हम बेसिक अच्छी तरह क्लियर कर सकें। अगर बेसिक ही बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता है तो वो आगे 10-12 तक इतना सफ़र करते हैं, मैंने ये चीज़ें काफ़ी देखी हैं बच्चों में। तो मैं यही चाहूँगी कि बच्चों को तेज़ी से बढ़ाने की जगह अगर हम स्लो लेकर चलते हैं और एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को क्लियर करके चलते हैं तो बच्चा बहुत अच्छी तरह से उसको समझता है और उसको हमेशा याद भी रखता है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स है, GK है, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके बेसिक से बच्चे को स्टार्ट करवाएं। उससे रिलेटेड जितना ज़्यादा हो सके एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशीट है, वो सब करवाएं ताकि बच्चा अच्छे से अच्छा उसको सीख सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज अपन स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स के लिए मैं स्टार्टिंग में ये कहना चाहूँगी कि बच्चे को सी से लिखना स्टार्ट करवाएं। सी इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं वो सी और एल बेस पे चलेंगे। और कैपिटल लेटर्स, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, अपर 3 लाइंस में आते हैं, लेकिन जो स्मॉल लेटर्स हैं वो स्टार्ट 3rd लाइन से होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स अपर 3 लाइंस में आते हैं परंतु जो स्मॉल लेटर्स हैं वो स्टार्ट ही 3rd लाइन से होंगे। तो जब भी आप बच्चों को दे रहे हैं तो स्टार्टिंग में उनको डॉट्स दें और कोशिश करें कि वो ये सी बनाना प्रॉपरली सीख जाए तो बाकी लेटर्स वो इजीली बना लेगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं सी लिखना। अब ये सी है तो मैं आपको बताऊंगी, ये आएगा सेंटर की 2 लाइंस में। पहले हम स्लांट लाइन भी सीख चुके हैं, लाइन पैटर्न्स का भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बच्चों को ऐसे 2 डॉट्स दें, जैसे कि मैंने 2 डॉट्स बनाए। अब इससे हम ऊपर जाएंगे, फिर घूमेंगे, फिर ऐसे आके यहाँ छोड़ देना है। सी बनाना है ताकि सी से ही हमारा ए बनेगा, सी से ही BD आगे के लेटर्स बनेंगे। फिर ऊपर जाएंगे सी, थोड़ा पेशेंसफुली करें क्योंकि ये जगह कॉपी में कम होती है और बच्चे के लिखने के लिए हमें उसके साथ बिल्कुल पेशेंस रखने पड़ेंगे। तो उसको ऐसे आप सी बनवाएं और उसके बाद उसको 3-4 पेजेस में प्रैक्टिस करवाते रहें। ऐसे डॉट्स दें स्टार्टिंग में, उसके बाद चाहे 1 डॉट आप उसको प्रोवाइड करें कि फर्स्ट लाइन से हमें सेकेंड लाइन तक जाना है, फिर उसके बाद हमें सी बनाना है। फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन पे स्लांट जाएंगे, फिर बैक आएंगे, फिर आके हमें सी बनाना है। स्लांट फर्स्ट टू सेकेंड लाइन, फिर सी। सेंटर की जो 2 ब्लू या ब्लैक लाइन होती हैं इसमें ही हमको ये सी बनाना है। सी इस तरह से आप उसे बनाना सिखाएं, फिर एक डॉट दें और उसे बोलें कि अपने आप बेटा ऊपर स्लांट पे चलेंगे, फिर बैक आएंगे और सी बनाएंगे। ये हम ऊपर गए, ये बैक आए, इस तरह से हमें उसे सी बनवाना है। ये मेरा रॉन्ग हो गया, यहाँ तक जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, इस तरह से
क्योंकि अगर आप इसी तरह से कराएंगे, मैं आपको बोलती हूँ कि डेफिनेटली बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी रहेगी। मैंने लगभग 20 साल तक इस चीज़ पे बहुत वर्क किया है और बच्चे बहुत सुंदर राइटिंग लिखते हैं। फर्स्ट तक आते तक तो बच्चों की बड़ों जैसी हैंडराइटिंग हो जाती है। अब उसके बाद हमें एल की प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि एल भी कई लेटर्स में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए ये अपर 3 लाइन्स में आएगा। स्टार्ट हमें वही 3rd लाइन से करना है। यहाँ से यहाँ डॉट दीजिए इसको, आप यहाँ से ऊपर तक दीजिए, यहाँ से ऊपर तक दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, टर्न करेंगे, वापस नीचे आएंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर यहीं से ऊपर स्लांट जाएंगे, नीचे आएंगे, इसको छोड़ देंगे। ये हम ऊपर गए, नीचे आए, इसको छोड़ दिया। अगर आप बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त देंगे तो बिलीव करिए फर्स्ट से पहले ही प्रेप तक ही वो बच्चा विदाउट एनी हेल्प अपने आप अपना वर्क करना सीख जाएगा। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए थोड़ा टाइम हमें उनको देना पड़ता है। अगर हमने उनको इंडिपेंडेंट बनाना है तो स्टार्टिंग में उनके साथ हमें बैठना पड़ेगा। तो ये लेटर सी और एल की हम पहले प्रैक्टिस कराते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। अब देखिए मैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आपको बताती हूँ। स्टार्ट करेंगे ए से। अगर हमें सी बनाना आ गया है तो वही हम स्लांट लाइन गए, सी बनाया, ऊपर गए, क्लोज किया, ए। एल बनाना आ गया है, ऊपर गए, टर्न किया, सेकेंड लाइन टच की, बी। सी हमें आ ही गया था, देयर इज नो प्रॉब्लम, सी। बी के लिए अगेन हम सी बनाएंगे, स्लांट लाइन, मेक अ सी, गो अप एंड टच फर्स्ट लाइन एंड कम बैक एंड मेक अ टेल। सी ए बी सी डी ए ब क ड। अगेन एक बार और मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ही बनाना है, स्लांट लाइन, मेक अ सी, क्लोज द फिगर एंड मेक अ टेल, ए। स्लांट लाइन, अपर लाइन को टच करेंगे, फिर नीचे आएंगे और फिर बी बनाएंगे, सी, सी फॉर कैट, डी, वापस सी बनाएंगे और बंद करेंगे और ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, ये बन गया है डी। तो इस तरह से ए बी सी डी बनाएंगे। अब आता है ई। ई के लिए भी सेंटर के 2 लाइंस में आएगा, ऊपर गए, जैसे एल बनाना है वैसा ही छोटा ई बनेगा। उसके बाद एफ, एफ के लिए ऊपर फर्स्ट लाइन को टच करना है, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर बीच में आना है और नॉट बना देनी है, एफ, एफ से फ। थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है, गो अप, मेक अ स्टैंडिंग लाइन, मेक अ नॉट, एफ। एफ के बाद आता है जी, फिर सी बनाएंगे हम और फिगर को क्लोज करके नीचे से टेल बनानी है, जी। एक बार फिर से बनाते हैं, ई, ऊपर जाएंगे, एफ, सी बना के क्लोज किया, नीचे आए, जी। अब आप देख रहे होंगे ज़्यादातर जितने भी हैं वो उसी पे बेस है। एच के लिए ऊपर गए, एल की तरह बनाया, टर्न किया और कर लिया। ज़्यादातर सी और एल के बेस पे ही लेटर बनते हैं, ई, एफ, जी, एच। अब आएगा आई। आई, ऊपर डॉट लगा देना, सेंटर की 2 लाइंस में, जे, थर्ड लाइन से स्टार्ट किया, ऊपर गए, जे, फिर एल की तरह ऊपर गए, टर्न किया और 2 की तरह बनाया, के। एल, एल बच्चों को आता ही है, एल। एक बार वापस से लेटर बनाते हैं, आई, जे, के, एल। अब आता है एम। एम भी सेंटर के 2 लाइंस में आएगा, स्टार्ट वही 3rd लाइन से करना है, ऊपर गए, स्टैंडिंग लाइन, उसी लाइन पे ऊपर गए, वापस नीचे आए, फिर एम। एन 3rd लाइन से स्टार्ट करेंगे, एन। ओ के लिए वापस सी बनाएंगे, फिगर क्लोज करते हुए ऊपर से बाहर, ओ। पी के लिए ऊपर फर्स्ट लाइन टच की, नीचे गो अप एंड डोंट क्लोज द फिगर।
ऐसे पी बनाएंगे, एच के जैसा है पर एच आता है अपर थ्री लाइन्स में, पी आएगा फोर लाइन्स में। क्यू सी बनाएंगे नीचे की तरफ स्टैंडिंग लाइन एंड पुश बैक। क्यू आर के लिए स्लांट लाइन, फिर नॉट बनाते हुए सी बनाना है। ये बच्चों को जरूर बताएं। एक बार मैं आर आपको बताती हूँ, ऐसे स्लांट ऊपर गए, नॉट बनाया, सी बनाना है। आर एस के लिए ऐसे ही स्लांट जाना है, नॉट बना के उल्टा सी बनाना है, एस। वापस बताती हूँ, स्लांट जाके नॉट बना के उल्टा सी बनाना है, एस। टी के लिए एल की तरह ऊपर कट करेंगे, टी यू सेंटर की टू लाइंस में, यू को नीचे लेके आना है, यू को ऊपर नॉट नहीं बनानी है, नीचे। वी डब्ल्यू एक्स वही थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे, वाई और जेड। इस तरह से ये स्मॉल लेटर्स बच्चों को कराने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और वर्कशीट इसकी मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप करवा लीजिएगा। एक बार मैं आपके पूरे लेटर्स एक साथ आपको लिखकर दिखा रही हूँ, तो आप बच्चों को प्रॉपर वैसे ही लिखाएं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो चलिए आज हमारे स्मॉल लेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।